दोस्तों, अगर आप परसेंटेज के बेसिस पे प्लेयर्स को अपने टीम में सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं, विकेट कीपिंग सेक्शन में 82% सिलेक्शन वाले टीम सेफर्ट इस मैच में खेलने ही नहीं वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि बॉलिंग सेक्शन में मैथ्यू फिशर सिर्फ 2% सिलेक्टेड है बट इस मैच में खेलने वाले हैं, एंड कितने बेहतरीन ग्रैंड लीग के एंड स्मॉल लीग के पिक आपके लिए हो सकते हैं। थोड़े ऊपर जाएंगे, आपको दिखेगा विल विलियम्स, लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर थे फोर्थ ट्रॉफी का, सिर्फ और सिर्फ 15% का सिलेक्शन है। जे गिब्सन ग्रैंड लीग का नंबर 1 पिक है इस मैच का, कब लेना है कब नहीं सब कुछ मैं बताऊंगा, सिलेक्शन सिर्फ 1% का है। ऐसे ही दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड ट्रम्प प्लेयर्स के बारे में हम इस मैच में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको स्मॉल लीग में एक तरफा तो ग्रैंड लीग में बेहतरीन रैंक लाके दे सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक अटेंटिवली ज़रूर से देखने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा रात को 3:30 बजे से, मतलब लगभग 3 बजे, एंड उसके बाद टॉस रिपोर्ट विद प्लेइंग 11 अनाउंस हो जाएगा, जो कि इस मैच के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फर्स्ट मैच है दोनों ही टीम का फोर्थ ट्रॉफी का, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस मैच का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर एंड टॉस रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल पे, दोनों का ही लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप ये वाले वीडियो को अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो वाला साइन आपको देखने को मिलेगा, उस साइन पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आएंगे, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, इसी लिंक से जुड़ने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि हमारे नाम पे बहुत सारे फेक चैनल्स जुड़ गए हैं जो कि बहुत सारे पेड टीम्स देते हैं हमारे ही नाम पे, जो कि ओरिजिनली हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो फेक चैनल से जुड़ने से बचिएगा और एक ऑथेंटिक चैनल से ही जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, बात कर लेंगे वेन्यू के बारे में, तो सिडन पार्क हैमिल्टन में ये मैच खेला जाएगा। यहाँ पे वन डे इंटरनेशनल, मतलब 50 ओवर के मैचेस टोटल 33 खेले गए हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 11 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाला टीम 22 बार जीता है, मतलब इससे भी डबल। तो बैटिंग सेकंड करने वाले टीम को इस मैच में भी आप फेवर कर सकते हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 245 का है, मतलब ठीक ठाक स्कोर बन जाता है। स्कोरिंग पैटर्न पे एक नज़र मार लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 200 के नीचे सिर्फ 5 बार बना है, 200 एंड 249 के बीच में 12 बार, एंड 250 एंड 300 के बीच में 12 बार स्कोर बना है। तो इस मैच में भी आपको 250 टू 300 के बीच में ही स्कोर दिख सकता है क्योंकि फ्रेश विकेट है, एंड 300 के ऊपर 4 बार स्कोर जा चुका है। दोस्तों, बात कर लेंगे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम के बारे में, जो कि लास्ट ईयर सेकंड पोजीशन पे फिनिश किए थे पॉइंट्स टेबल पे, 10 में से 6 मैच जीते थे, 4 मैच हारे थे। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में, मतलब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एंड कैंटरबरी के बीच में ही लास्ट ईयर फोर्थ ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, जहां पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हार गए थे और कैंटरबरी जीत के चैंपियन हो गए थे, मतलब इस मैच में कैंटरबरी डिफेंडिंग चैंपियन का रोल प्ले करने वाले हैं। लास्ट ईयर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम के तरफ से हाईएस्ट रन गेटर एंड पूरे टूर्नामेंट का थर्ड हाईएस्ट रन गेटर रहे थे जीत रावल 409 रन्स के साथ, उसके बाद हेनरी कूपर 407 रन्स के साथ फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर रहे थे पूरे टूर्नामेंट का। इनका सिलेक्शन अंडर 10% आपको दिख जाएगा, बाकी केडी क्लार्क इनका सिलेक्शन भी अंडर 10% आपको दिख जाएगा, फिफ्थ हाईएस्ट रन गेटर थे, 387 रन्स किए थे। जे कार्टर टीम के कैप्टन 15th हाईएस्ट रन गेटर थे, 289 रन्स किए थे, हालांकि 48 का एवरेज था क्योंकि सिर्फ 6 ही मैच खेले थे। विकेट्स से देखेंगे तो ब्रेट रैंडल इनके तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, 10% का सिलेक्शन है, 6th हाईएस्ट विकेट टेकर पूरे टूर्नामेंट का रहे थे, 15 विकेट निकाले थे। अनुराग वर्मा 14 विकेट निकाले थे, 8th हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे पूरे टूर्नामेंट का। जे वॉकर 14th हाईएस्ट विकेट टेकर एंड मैथ्यू फिशर 11 विकेट निकाले थे, 16th हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे पूरे टूर्नामेंट का। बट ये याद रखिएगा कि ये 6 ही मैच खेले थे और 11 विकेट निकाले थे। दोस्तों, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल स्क्वाड आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। इस मैच के लिए जे कार्टर टीम के कैप्टन होने वाले हैं, केटिन क्लार्क ओपनर, कॉलिन डी ग्रैंडी होम खेलेंगे, जे गिब्सन, ब्रेट रैंडल, अनुराग वर्मा, पीटर बोकॉक टीम के विकेट कीपर होने वाले हैं, टीम सेफर्ड अवेलेबल नहीं है, हेनरी कूपर, मैथ्यू फिशर, भरत पॉपली, जीत रावल एंड जो वॉकर।
दोस्तों प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर पे एक नज़र मार लेंगे तो आपको समझ में आएगा, जीत रावल जो कि एवरेज रखते हैं 30 का लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, स्टेबल बैटर हैं, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं। उनके साथ ओपनिंग करेंगे केटेन क्लार्क जो भी एवरेज रखते हैं 30 का, अटैकिंग बैटर हैं, लास्ट प्लेड इन मार्च मतलब लास्ट ईयर जो फाइनल ये खेले थे उसके बाद कोई भी डोमेस्टिक मैच ये नहीं खेले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। जे कार्टर टीम के कैप्टन, एवरेज रखते हैं 35 का लिस्टे मैचेस में, रीसेंट फॉर्म डिसेंट प्लस स्टेबिलिटी देते हैं मिडिल ऑर्डर को, ठीक है रुक के खेलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों उसके बाद आ जाएंगे इनके वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट बैटर्स जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है फैंटेसी में, जो कि है हेनरी कूपर। 200 किए हैं रिसेंटली फर्स्ट क्लास मैचेस में, टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैटर हैं, रुक के खेलते हैं काफ़ी अच्छे बैटर हैं। उसके बाद आ जाएंगे कॉलिंडी ग्रैंडीहोम, इनके बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं, आपको भी पता है कि ये काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, ज़रूर से हमें ट्राई करना है। पीटर बोकॉक सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। बोलिंग सेक्शन में ब्रेट रैंडल वॉच आउट, क्योंकि इस बॉलर को बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जा रहा है, आपको लेना है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये 25 इनिंग में 46 विकेट्स निकाल चुके हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। जेक गिब्सन 23 इनिंग में 26 विकेट, डिसेंट फॉर्म लेटली प्लस ट्रंप। ट्रंप मैंने क्यों लिखा है, जब मैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में बात करूंगा इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में तब मैं बात करूंगा। अनुराग वर्मा 52 इनिंग्स में 76 विकेट्स, बहुत अच्छे विकेट टेकर है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, डेथ ओवर्स में भी डालेंगे। दोस्तों उसके बाद आ जाएंगे जे वॉकर, इनके तरफ से ग्लौते स्पिनर मेरे हिसाब से, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बोलिंग डालेंगे, 27 इनिंग में 24 विकेट निकाले हैं, एवरेज प्लेयर है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। मैथ्यू फिशर थोड़ा बहुत बैटिंग भी ये कर सकते हैं, ज़रूर से ध्यान रखिएगा मैथ्यू फिशर का, लास्ट ईयर 6 मैचेस खेले थे एंड 11 विकेट्स निकाले थे, कैन बैट, मेन बॉलर होंगे इनका, ठीक है शुरुआत में भी डालेंगे, थोड़ा बहुत डेथ में भी डालेंगे। पावर प्ले में डालेंगे मैथ्यू फिशर, ब्रेट रैंडल, अनुराग वर्मा, डेथ में उनके साथ ऐड हो जाएंगे जे गिब्सन, तो जे गिब्सन में डालेंगे, बहुत अच्छे गुच्छे में विकेट निकालते हैं, जरूर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे इनके तरफ से मेन जो स्पिनर है जे वॉकर तो होंगे ही, उनके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पे जीत रावल भी थोड़ा बहुत स्पिनिंग ऑप्शन हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए जीत रावल को ग्रैंड लीग में कैप्टनशिप भी दे सकते हैं, अगर बैटिंग से 70-80 रन कर गए या फिर 100 कर गए, उधर से एक विकेट भी गलती से ले गए तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स देके जा सकते हैं। हालांकि इनके तरफ से जो 5 इंपॉर्टेंट बॉलर्स होने वाले हैं जो कि अपने कोटे का 10-10 ओवर डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, मैथ्यू फिशर, अनुराग वर्मा, जे गिब्सन, ब्रेट लैंडल, चारों इनके मेन फास्ट बॉलर होने वाले हैं, उसके बाद जे वॉकर इनके एक लौते स्पिनर, अगर ज़रूरत पड़ा 6th बॉलर का तो कॉलिंडी ग्रैंडीहोम तो है ही, 7th बॉलर जीत रावल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस को देखते हैं पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के वाइट कर दीजिएगा और इसके बगल वाला जो बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और हमारे किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। और हाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 4 ट्रॉफी के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस के वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, उसके साथ साथ जो वीकेंड पे आपको सुपर स्मैश के मैचेस देखने को मिलेंगे उसके भी मैच एनालिसिस वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फिर उसके साथ साथ विजय हजारे ट्रॉफी जो कि इंडिया के डोमेस्टिक 50 ओवर के मैचेस चालू होंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक से, उसका भी कंप्लीट मैच एनालिसिस वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, उसके साथ साथ बिग बैच भी शुरू हो रहा है दोस्त, उसका भी कंप्लीट एनालिसिस वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस कैंटरबरी किंग्स के बारे में, लास्ट ईयर ये पॉइंट्स टेबल पे भी फर्स्ट पे फिनिश किए थे, 10 में से 7 मैचेस जीते थे, सिर्फ 3 ही मैच हारे थे। लास्ट ईयर इनके तरफ से बेस्ट परफॉर्मर्स कौन कौन रहे थे, के मैक्लोर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे पूरे टूर्नामेंट का और इनके तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे, ठीक है 480 रन किए थे, बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, ज़रूर से ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन सिर्फ 10% आपको दिख जाएगा। हेनरी निकोलस फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। सी बाउस 11th हाईएस्ट रन स्कोरर पूरे टूर्नामेंट का रहे थे, 321 रन किए थे। टॉम लेथम अवेलेबल नहीं है, टॉम ब्लंडल भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे चैट बाउस एंड के मैक्लोर के ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में विल विलियम्स, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था सिर्फ 15% का सिलेक्शन है, ज़रूर से ध्यान देना है विल विलियम्स के ऊपर, लास्ट ईयर पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। उसके बाद मैट हेनरी 5th हाईएस्ट विकेट टेकर पूरे टूर्नामेंट का 15 विकेट्स के साथ, इडन अटल 9th हाईएस्ट विकेट टेकर पूरे टूर्नामेंट का 13 विकेट्स के साथ, टॉड एस्टल फिलहाल अवेलेबल नहीं होंगे।
दोस्तों कैंटरबरी टीम ने जो ऑफिशियल स्क्वाड अपने अनाउंस किया है इस पर्टिकुलर मैच के लिए वो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। कोल मैकॉन की टीम के कैप्टन होने वाले हैं चैट बॉस, जैक बॉयले, लियो कार्टर, कैम फ्लेचर, मैट हेनरी, केन मैक्लॉड, इडन अटल, विल ओ राउके, हेनरी शिपले, थियो वैन वर्डेकॉम एंड विल विलियम्स। दोस्तों इनका प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होने वाला है। केन मैक्लॉड के साथ ओपनिंग करेंगे चैट बॉस, जो कि रिसेंटली सुपर स्मैश में भी लगभग यही बैटिंग ऑर्डर रहा था। जैक बॉयले आए थे नंबर 3 पे, लियो कार्टर नंबर 4 पे आ जाएंगे, कोल मैकॉन की टीम के कैप्टन नंबर 5 पे आ जाएंगे, कैम फ्लेचर, हेनरी शिपले बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, ज़रूर से ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हैं, मैट हेनरी आपको दिख जाएंगे, थियो वैन वर्डेकॉम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर मेरे हिसाब से इस मैच में खेलेंगे, और यहाँ पे विल विलियम्स एंड इडन अटल आपको दिख जाएंगे। पावर प्ले में इनके तरफ से डालेंगे मैट हेनरी, इडन अटल, कोल मैकॉन की, डेथ ओवर्स में डालेंगे मैट हेनरी, इडन अटल एंड विल विलियम्स। दोस्तों इनके तरफ से पांच जो मेन इंपॉर्टेंट बॉलर्स होने वाले हैं मेरे हिसाब से इडन अटल, विल विलियम्स, मैट हेनरी, हेनरी शिपले भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एंड कोल मैकॉन की। उसके साथ साथ हेनरी शिपले के साथ थियो वैन वर्डेकॉम अपने ओवर्स शेयर कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों बात कर लेंगे हेड टू हेड मैच का, तो क्लियर कट विनर आप कह सकते हैं कैंटरबरी को, क्योंकि लास्ट 5 में से 4 बार कैंटरबरी ने ही जीत हासिल किया है। हालांकि इस बार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत बड़ा इक्विलाइजर क्वालिंडी ग्रैंडहोम जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर खेलने वाले हैं, तो मुझे लगता है कड़ा टक्कर आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों जब जब ये दोनों टीम 50 ओवर के मैचेस में एक दोनों के अगेंस्ट खेलते हैं, कौन से प्लेयर कब कब बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे। जैक बॉयले बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक बार 126 किए थे इसी ग्राउंड पे, हैमिल्टन के ग्राउंड पे। जे गिब्सन, जिनके बारे में मैं शुरुआत से बात कर रहा था, ग्रैंड लीग के नंबर 1 ट्रंप पिक हो सकते हैं स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 विकेट एंड 3 विकेट निकाल चुके हैं ओपोनेंट टीम के सामने, ठीक है, इसी ग्राउंड पे जरूर से आपको ध्यान रखना है। चैट बॉस 46 and 110 किए हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए एंड बैटिंग सेकंड करते हुए 42 किए हैं इसी ग्राउंड पे, जरूर से आपको ध्यान रखना है चैट बाउस का। उसके बाद दोस्तों कैटेन क्लार्क, जो कि बैटिंग सेकंड करते हुए ज़्यादातर ज़्यादा अच्छा करते हैं, 48, 36, 56 बैटिंग सेकंड करते हुए इसी ग्राउंड पे किए हैं, और एक बार 82 भी किए हैं इसी ग्राउंड पे नहीं, दूसरे ग्राउंड पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट। तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा कैटेन क्लार्क का सिर्फ 20% का सिलेक्शन है, ठीक है। जो कार्टर टीम के कैप्टन है 22 किए हैं बैटिंग सेकंड करते हुए इसी ग्राउंड पे, और 70 भी किए हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट। हेनरी शिपले 2 बार 2-2 विकेट निकाल चुके हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए, जरूर से ध्यान रखिएगा। कोल मैकॉन की हमेशा बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज्यादा अच्छा किए हैं रन से भी, और सेकंड इनिंग में जब ये बॉलिंग करने आते हैं, क्योंकि स्पिनर है तो अच्छा खासा ग्रिप भी मिलता है, टर्न भी मिलता है पिच से, तो विकेट्स भी निकाल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हेनरी कूपर आपको दिख जाएंगे, 45 and 52 किए हैं बैटिंग सेकंड करते हुए इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट, जरूर से ध्यान रखिएगा। अनुराग वर्मा 34 किए हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, बैटिंग सेकंड करते हुए 34 किए थे एंड 2 विकेट 1 विकेट भी निकाले थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। जनरली डेथ में डालते हैं इसीलिए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ठीक ठाक विकेट निकाल ही जाते हैं। इडन अटल 1 विकेट 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 विकेट निकाले हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए एक बार, और 3 विकेट फिर से बॉलिंग सेकंड करते हुए। तो 50 ओवर के मैचेस में ये बॉलिंग सेकंड करते हुए 3-3 विकेट 2 बार निकाले हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 1 बार 2 विकेट तो 1 बार 1 विकेट निकाले हैं। दोस्तों ओपनर के मैक्लॉड के बारे में बात करेंगे, 2 बार शतक जड़ चुके हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट, और 1 बार 92 भी कर चुके हैं बैटिंग सेकंड में। तो जरूर से बैटिंग फर्स्ट हो या फिर बैटिंग सेकंड हो, जरूर से ध्यान रखिएगा कि मैक्लॉड का सिलेक्शन सिर्फ 15% का आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी ब्रेट रैंडल 2 विकेट 3 विकेट दोनों बार ही बॉलिंग फर्स्ट करते हुए लिए हैं, क्योंकि डेथ में डालते हैं, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, ठीक है। जीत रावल 45 and 105 किए हैं बैटिंग सेकंड करते हुए, चेजिंग में ज़्यादा अच्छा करते हैं जीत रावल, ज़रूरत पड़ने पे बॉलिंग भी कर सकते हैं। विल विलियम्स 3 विकेट 1 बार निकाले हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए, 1 बार 2 विकेट भी निकाले हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो ज़रूर से इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं स्पेशली इस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट, 1 बार 3 विकेट 1 बार 2 विकेट निकाल चुके हैं। लियो कार्टर 40 किए हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। कैम फ्लेचर स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 44 and 39 किए हैं नंबर 5-6 तक बैटिंग करने आएंगे, ठीक है। बाकी कॉलिंडी ग्रैंडहोम एक ही हेड टू हेड मैच है इनका ओपोनेंट टीम के अगेंस्ट, 57 किए हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, नीचे आके काफी अच्छा हिटिंग किए थे, हालांकि बॉलिंग नहीं डाले थे उस मैच में उतना ज्यादा। दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में आपको कैम फ्लेचर खेलते हुए दिखेंगे, उनके साथ पीटर बोकॉक खेलते हुए दिखेंगे, बाकी दोनों
विकेट कीपर टॉम लेथम एंड टीम सेफर्ड अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को लेने का कोशिश कीजिएगा। फिलहाल मैं कैम फ्लेचर को लूंगा क्योंकि कंपैरेटिवली बेहतर बैटर है, ठीक है। बाकी बैटिंग सेक्शन में विलियमसन एंड निकोलस तो नहीं है, चैट बोस को मैं लूंगा, डैनियल मिचेल अवेलेबल नहीं है, के मैक्लॉड को मैं लूंगा, 34% का सिलेक्शन हो फर्क नहीं पड़ता, लास्ट ईयर इनके तरफ से हाइएस्ट रन स्कोरर थे तो इसलिए मैं लेने वाला हूँ। जो कार्टर को आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं, टीम के कैप्टन है, नंबर 3 पे खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। जीत रावल को मैं लूंगा, थोड़ा बहुत बोलिंग भी डाल सकते हैं और रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है। बाकी दोस्तों थोड़ा सा नीचे आके मैं के क्लार्क को लेना पसंद करूंगा, जो कि आइदर ओपनिंग करेंगे या फिर नंबर 3 पे खेलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटर हैं, लास्ट ईयर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे पूरे टूर्नामेंट का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं के क्लार्क को। हेनरी कूपर बहुत अच्छे छुपा रुस्तम पिक हो सकते हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड करते हुए जितना मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड में नोटिस किया, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, नंबर 4 तक बैटिंग करने आ जाएंगे। दोस्तों वहाँ पे मैं हेनरी कूपर को ले सकता था या फिर लेने वाला था, क्योंकि मेरा बहुत मन था हेनरी कूपर या फिर जो कार्टर में से किसी एक को लेने का। फिलहाल मैं उनके जगह हेनरी सिपली को लेना चाहूँगा, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं नंबर 6 तक आके, और बोलिंग से भी एक दो विकेट लेके दे सकते हैं, स्पेशली बोलिंग सेकेंड करते हुए। बाकी कॉलिन डी ग्रैंडहोम को तो लेना ही है, और कोल मैकॉन की टीम के कैप्टन है कैंटरबरी का, इनको भी लेना है। दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में 3 बॉलर्स हमको मोटा मोटा अपने टीम में ले लेना है, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट अवेलेबल नहीं है, मैट हेनरी को हम ले लेंगे अभी के लिए, बाकी स्कॉट कुगेलिन अवेलेबल नहीं है, 65% का सिलेक्शन है, नहीं खेलेंगे। उनके नीचे आपको दिख जाएगा इस शोधी, 54% का सिलेक्शन है, नहीं खेलेंगे। वैगनर भी नहीं है, साउदी भी नहीं है, हेजलडाइन भी नहीं है। ईडन अटल स्पेशली बोलिंग फर्स्ट हो बोलिंग सेकेंड हो फर्क नहीं पड़ता, काफ़ी अच्छे विकेट टेकर है, ज़रूर से ध्यान रखिएगा, 52% का सिलेक्शन है, हमको लेना चाहिए। बाकी दोस्तों लास्ट जो बॉलर हमारे लिए रह जाते हैं वो है विल विलियम्स, क्योंकि लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर थे कैंटरबरी किंग्स के तरफ से, ज़रूर से हम लेने का कोशिश करेंगे, वन ऑफ द मेन बॉलर्स है। बाकी यहाँ पे मैथ्यू फिशर को भी आप ले सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेट ऑर्डर पावर हिटिंग करते हैं। बाकी जे गिब्सन बहुत 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 अच्छे इस मैच में ग्रैंड लीग के पिक होने वाले हैं, जे गिब्सन स्पेशली बोलिंग फर्स्ट करते हुए, ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। अनुराग वर्मा भी 3% का सिलेक्शन है, यह अनुराग वर्मा का हर बार यही होता है, फर्स्ट मैच सेकंड मैच में कोई उतना भाव नहीं देता, बट टूर्नामेंट के मिडिल में जाके इनका ही सिलेक्शन लगभग 75-85% हो जाता है, हर बार का इनका यही सेम मामला है, ठीक है, जरूर से ध्यान रखिएगा अनुराग वर्मा का भी, स्पेशली ग्रैंड लीग में। और हाँ, और एक बॉलर को मैं कैसे भूल सकता हूँ, ब्रेट रैंडल। अब देखिए ये पूरा जो बॉलिंग सेक्शन का कॉम्बिनेशन होगा ना, कंप्लीटली टॉस के ऊपर होगा। अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बॉलिंग फर्स्ट करेगा तो ब्रेट रैंडल अनुराग वर्मा मेरे टीम में होंगे ही होंगे, तो उस टाइम पे अगर मैं ब्रेट रैंडल एंड अनुराग वर्मा दोनों को ही ले लेता हूँ, या फिर अनुराग वर्मा के जगह जे गिब्सन को लेता हूँ, ये कॉल आपको लेना होगा कि आपको अनुराग वर्मा के साथ जाना है जो थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आउट एंड आउट फास्ट बॉलर जे गिब्सन के साथ जाना है, एंड उनके साथ मैं ईडी नटल को ले लूंगा या फिर विल विलियम्स को ले लूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बॉलिंग सेक्शन का, अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बॉलिंग फर्स्ट करेगा तो। दोस्तों फिलहाल मेरा ड्रीम 11 टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है, जहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे होने वाले हैं कोल मैकॉनकी के साथ, वाइस कैप्टन मैं के मैक्लॉड को देना चाहूँगा, आप चाहे तो के क्लार्क या फिर जीत रावल को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन कोल मैकॉनकी को ही रखिएगा, नंबर 5 पे बैटिंग करने आ जाएंगे, प्लस 6-7 ओवर बॉलिंग भी करेंगे राइट आर्म ऑफ ब्रेक, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी कॉलिन डी ग्रैंडहोम को मैं वाइस कैप्टन ज़रूर से बनाता, बट ये कितने ओवर्स बॉलिंग करेंगे आई डाउट, ठीक है। तो इसीलिए शायद अगर उतना ज़्यादा बॉलिंग नहीं करें और नंबर 6 तक नंबर 5 तक बैटिंग करने आएंगे, हालांकि बहुत अच्छे पावर हिटर है, बट सिर्फ पावर हिटिंग के बेसिस पे हम उनको वाइस कैप्टन नहीं बना सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मारने जाएंगे उतना ज़्यादा उनका आउट होने का चांसेस भी रहेगा। अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बॉलिंग फर्स्ट करता है तो ब्रेट रैंडल को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, बहुत अच्छे बॉलर हैं, एटलीस्ट 2 विकेट तो आपको देखे ही जाएंगे स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, ठीक है। बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ कब किसको कब वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है। बाकी के मैक्लॉड बॉलिंग फर्स्ट हो बैटिंग फर्स्ट हो फर्क नहीं पड़ता, लास्ट ईयर के हाइएस्ट रन गेटर थे इनके तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट बैटर हैं, ज़रूर से आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। जीत रावल, ये तीनों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है वाइस कैप्टन के हिसाब से, ये स्पेशली जब बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, बाकी जीत रावल स्पेशली जब बैटिंग सेकंड करेंगे, चेजिंग करेंगे, ठीक है। बाकी एंड के मैक्लॉड दोनों ही टाइम पे आप ट्राई कर सकते हैं एज ए वाइस कैप्टन। होपफुली दोस्तों वीडियो में दिया गया एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से मैचेस के वीडियोस मुझे बनाना चाहिए नेक्स्ट,
और उसके साथ साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। रात के 3 बजे आपके लिए पूरा अपडेट्स आएगा। ज़रूर से आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक से ही जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।